नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज जिले में 2022 में बाइसिकल किनारे के साथ समाजवादी पार्टी ने बसपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कस ली है। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सभी वर्गों के लोगों को जगह दी है। महिलाओं पर भी खासा फोकस किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने गुरुवार को जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कई युवा चेहरों के नाम की घोषणा की है। उनके द्वारा जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर भानु गुप्ता, आलोक त्रिपाठी, गुड्डा ठाकुर, शरद यादव, शिवांगबाज पेई, सुमित कुमार को शामिल किया गया, जबकि जिला कोषाध्यक्ष के पद पर सत्येंद्र सिंह उर्फ राजू यादव, जिला सचिव के पद पर कृष्णपाल, अर्चना मिश्रा, अल्पना कठेरिया, कुसुम यादव को जगह दी है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों के नेताओं को जिला कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज किस तरीके से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? 2022 में बाइसिकल के लक्ष्य को लेके आज कमेटी में जो विस्तार होना था, तो कर्मठ कार्यकर्ताओं को और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की संस्थी पर जिलाध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी देखे गए हैं, क्या इनको भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है? हाँ, आज अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष श्री अरुण यादव के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से आज जिले में अधिवक्ता सभा के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और सबको लक्ष्य जो 2022 का, उसमें जुटने के लिए कहा गया है, ताकि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और अधिवक्ता तो प्रबुद्धतम वर्ग भी हमारा जुटे, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए और 22 में बाइसिकल का लक्ष्य ये लोग भी मिलकर के पूरा करें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।